स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज एक बार पुनः स्टडी 91 के ये प्रीलिम्स स्पेशल का स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में। और आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य से बनने वाले प्रश्नों का यहां पर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस लेसन से जो क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पेशवा वंश की स्थापना किसने की, मुकासा मराठा साम्राज्य में किस प्कार के दान थे, या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित था, कब हुआ था, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था, जैसे प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। जैसा कि मैं बताता रहा हूं, यह सेशन सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख कर के शुरू किया गया है और मैं रात में 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस में आप लोगों से मिलता हूं। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मेरे अंदर बहुत जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। आप लोग कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं जिनको पढ़ करके जो है बड़ा तरस आता है कि ऐसे लोग भी जो है अभी विद्या के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थी नहीं विद्या के अर्थी हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1974, 1675, 1676 या 1977। तो ये जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है ये तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ये तो अगला मेंटली डिस्टर्ब होगा, वो भी बता देगा कि अंतिम विकल्प जो है सही ना, किसी भी कीमत पर नहीं। शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य में, जब हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत अपने सबाब पे रही थी, उस समय हिंदू धर्म रक्षक की उपाधि धारण करने वाले, हिंदू धर्म धारक की उपाधि धारण करने वाले, हिंदू पद बादशाही की उपाधि धारण करने वाले मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के समकालीन थे। जिस प्रकार अकबर अपनी पूरी जिंदगी लगा रह गया लेकिन राणा प्रताप और मेवाड़ को कभी जो है नहीं जीत पाया, वैसे ही औरंगजेब अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दे लेकिन मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी को कभी वो नहीं जीत पाया। बहरहाल छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म बताने की जो है जरूरत नहीं है कि इनका जन्म 19 फरवरी वर्ष 1600 कब 30 को हुआ। हालांकि कुछ पुस्तकों में इसको जो है 6 अप्रैल वर्ष 1628 भी दे रखा है। छत्रपति शिवाजी का जन्म अगर जो है पूछा जाए कि कहां हुआ था, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर का जो है किला जो कि आज भी पुणे में स्थित है और वहां की स्थानीय देवी जिनका नाम जो है शिवनेरी, उन्हीं के नाम पर जो है उस किले का नाम शिवनेर, और जहां पर इनका जन्म हुआ इनकी माता श्री ने उसी देवी के नाम पर जो है इनका नामकरण जो है शिवाजी किया था। छत्रपति शिवाजी जिनके माता का नाम था क्या, इनकी माता थी कौन, जीजाबाई। और जीजाबाई ये यादव वंश खास करके देवगिरी का जो यादव वंश था वहां से ये बिलोंग करती थी। वहां के लखुजी जाधव राव की बेटी थी। लखुजी जाधव राव की बेटी थी कौन, छत्रपति शिवाजी की माता थी। तो छत्रपति शिवाजी मां के तरफ से जो है यादव वंश से संबंधित थे, जबकि इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जी हां शाहजी राज भोसले। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि विगत परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहा है कि अपने पिता की तरफ से
छत्रपति शिवाजी किस राजवंश से संबंधित थे, तो अपने पिता के तरफ से ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे। किससे? सिसोदिया वंश से जो है संबंधित थे। और यहां से इनका क्या ताल्लुकात था, अगर आपको जानकारी के लिए बता दें तो वर्ष 1330 में जब दिल्ली पर खिलजी सल्तनत अपने सवाब पर थी, और दिल्ली सल्तनत का उस समय सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब वर्ष 1303 में मेवाड़ पर चढ़ाई किया, चित्तौड़ पर चढ़ाई किया रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए, उस युद्ध में रावल रतन सिंह जो है वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने जिन्होंने जौहर प्रथा की जो है शुरुआत की, उन्होंने अपने दासियों के साथ छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया, चित्तौड़ को जीत लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया गया, और वहां रहने वाले लोगों को ये आदेश जारी किया गया कि अगले दिन का सूरज निकलने से पहले मौत या इस्लाम में से किसी एक को चुनना होगा, और नहीं तो चित्तौड़ को जो है छोड़ देना होगा। कुछ लोगों ने हालात से समझौता कर लिया, आज भी ऐसे लोग हैं जो हालात से समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हालात को अपने अनुसार ढाल देते हैं। बहरहाल वहां राम सिंह और सज्जन सिंह का परिवार था जिनको अपने धर्म कर्म से इतना लगाव था कि उनको अपना धर्म त्याग करना स्वीकार नहीं था, इस्लाम धर्म स्वीकार करना ये स्वीकार नहीं था। इसलिए ऐसे परिवार रातों रात जो है चित्तौड़ को खाली कर दिए। सज्जन सिंह और राम सिंह का परिवार भी वहां से चला आया, और दक्कन जिसको कि अब हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं, उसी दक्कन में आकर के और इन लोगों ने फिर एक नई जिंदगी की जो है शुरुआत किया। कहा जाता है कि खेतीबाड़ी करके भूमि से अपनी आजीविका चलाए, इसलिए ये लोग जो है भोसले कहे गए। और उन्हीं के परिवार में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जो है मालजी, जिनके सुपुत्र थे कौन, शाहजी, और शाहजी के सुपुत्र थे कौन, छत्रपति शिवाजी। तो आपसे पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित थे, मेवाड़ साम्राज्य से इनके पूर्वज जो है मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित थे, और ये अपने पिता की तरफ से जो है किस वंश से थे, सिसोदिया वंश से, माता के तरफ से यादव कुल से संबंधित थे छत्रपति शिवाजी, और जिनका राज्याभिषेक दो बार हुआ था। कब? पहली बार इनका राज्याभिषेक जो है 6 जून 1674 को हुआ, 74 को कहां पर, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में जब काशी के विद्वान पंडित जिनका नाम जो है श्री गंगा भट्ट था, जिनके निर्देशन में इन्होंने, जिनके देखरेख में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और छत्रपति की उपाधि धारण की। लेकिन 6 जून को इनका राज्याभिषेक होता है, और अपने बेटे को बादशाह राजा के रूप में देख करके जो है मां इतना प्रसन्न हुई, कहा जाता है कि माता खुशी में बीमार हो गई। और एक बात जो है हमेशा याद रखना, उस समय, इस समय या किसी समय आपकी सफलता पर आपसे भी अधिक अगर जो कोई खुश होता है तो आपके माता पिता, और नहीं तो वो गुरु जिसने आपको जो है शिक्षा दिया और इस लायक बनाया। इसके अलावा मां बाप और गुरु को छोड़कर के बाकी दुनिया की कोई भी जो है शख्सियत आपकी सफलता पे कभी खुश नहीं होती है। ये कड़वा है मगर सत्य है। हर कोई चाहता है, हर कोई कहता है आपसे क्या जिंदगी में खूब आगे बढ़ो, लेकिन मां बाप और गुरु को छोड़कर के कोई ये नहीं चाहता है कि आप जो है उनसे भी आगे बढ़ो। बहरहाल इनकी माताजी का इस घटना के बाद जो है देहांत हो गया, और देहांत हुआ तो छत्रपति शिवाजी ने फिर अपना राज्याभिषेक कराया। अपना राज्याभिषेक अगली बार कराया कब, तो 24 सितंबर वर्ष 1674 को, 24 सितंबर 1674 को अपना राज्याभिषेक कराया। और तब इन्होंने अपना राज्याभिषेक स्वामी निश्चलपुरी, जो कि दक्षिण भारतीय एक तांत्रिक थे, दक्षिण भारतीय एक तांत्रिक थे, इनकी देखरेख में जो है इन्होंने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। ये पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्होंने किसी तांत्रिक के जो है तत्वावधान में, देखरेख में राज्याभिषेक कराया। तो इनका दो बार राज्याभिषेक हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। और रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है,
पहला विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था, अभी तो बताया शिवनेर दुर्ग में हुआ था, और वर्तमान में ये जगह अब जो है कहां पड़ती है, यहां पड़ती है। छत्रपति शिवाजी सबसे पहले किस किले को जीत लिया था, अगर प्रश्न आपसे ये पूछता तो इन्होंने सबसे पहले 1646 में इन्होंने तोरण के दुर्ग को जो है जीत लिया, जबकि सिंगड़ को इनको प्राप्त करने में 1647 लगभग एक वर्ष का जो है इंतजार करना पड़ा। हालांकि कुछ किताबों में जो है लिखा है कि सिंगड़ को इन्होंने सबसे पहले जो है जीत लिया था। सिंगड़ पर चढ़ाई सही बात थी, इन्होंने सबसे पहले किया, उसको अपने अधिकार में किया, लेकिन उसको आधिकारिक रूप से प्राप्त जो है करने में इनको देर लगी। उससे पहले तोरण को इन्होंने 1646 में ही जो है प्राप्त कर लिया था। किससे तोरण को प्राप्त किया था, तो आप कहेंगे कि बीजापुर सल्तनत से इन्होंने तोरण को प्राप्त किया था। और आज भी आपसे इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। रायगढ़ के दुर्ग में जहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था अभी मैंने बताया था, और इनकी राजधानी जो थी वो कहां थी, जी हां रायगढ़ में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। छत्रपति शिवाजी कहा जाता है कि बीजापुर के खिलाफ इन्होंने अपना अभियान शुरू किया और उसमें सफलता भी मिली। तोरण का किला, सिंगड़ का किला इन्होंने धड़ाधड़ जो है बीजापुर के शासकों से किले जीतते गए, तो बीजापुर के सुल्तान ने इनके पिताजी को शाहजी को बंदी बना लिया था। हालांकि शाहजी के साथ जो है छत्रपति शिवाजी का बहुत कोई जो है लगाव रहा नहीं, वो इसलिए उसके पीछे कहानी यह है कि छत्रपति शिवाजी अभी अपने मां के गर्भ में ही थे, तब तक उनके पिताजी जो शाहजी थे वो तुकाबाई मोहिते नामक एक महिला पर आसक्त हो गए और उनसे शादी करने का निर्णय लिया। तो इस हद तक जो है मोहित हो गए कि उन्होंने तुकाबाई मोहिते से शाहजी ने शादी कर ली। इसलिए छत्रपति शिवाजी की माताजी जो है शिवाजी के साथ जो है अपने पिता के घर जो है चली आई और बाकी की जिंदगी उनकी वहीं पर रही बीती। छत्रपति शिवाजी जिनके अगर पूछा जाए कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे कि इनके राजनीतिक गुरु जो है कोणदेव थे। कौन? दादा कोणदेव थे। जबकि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, अगर जो है पूछा जाए कि इनका धार्मिक जो है गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास। और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो घरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। घरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? जी हां समर्थ रामदास। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और छत्रपति शिवाजी से जो है इन्होंने कहा था कि हिंदू साम्राज्य को सभी हिंदुओं को धर्म के नाम पर ही एकत्रित किया जा सकता है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी से कहा था और आज भी ये स्टेटमेंट कुछ मामलों में हद तक जो है अभी भी सही दिख रहा है, खास करके जब 500 साल के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, हर हिंदू व्यक्ति जिनका हिंदू सनातन धर्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा, सबके लिए ये गौरव की बात थी, मेरे लिए भी जो है गौरव की बात थी। एक बार पुनः मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं। बहरहाल छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में जो है हराया था, तो मुगलों को किस युद्ध में हराया, 1659 में सलहार के युद्ध में जो है हराया था। उस समय मुगलों का जो है आप कहेंगे कि बादशाह कौन था, तो आपको बता दें औरंगजेब। मैंने शुरू में ही बताया था कि औरंगजेब पूरी जिंदगी रह गया किसके पीछे, तो छत्रपति शिवाजी के पीछे। औरंगजेब जिसका शासनकाल वर्ष 1658 से लेकर के कब तक 1707
तक रहा था और इसी के खिलाफ जो है इनको पहली सफलता मिली थी सलहार के युद्ध में। कहीं कहीं सलहार शब्द को जो है सलेहर शब्द लिखा होगा। मराठी भाषा में बात एक ही है, सबसे पहले इन्होंने औरंगजेब की सेना को, मुगलों की सेना को सलेहर के युद्ध में या सलहार के युद्ध में 1659 को जो है पराजित किया था। लेकिन सबसे पहली सफलता अगर जो है इनको मिली थी तो अभी मैंने बताया था बीजापुर सल्तनत के खिलाफ, और इन्होंने तोरण को, तोरण के गढ़ को जो है प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। औरंगजेब इनकी सफलता से इस कदर जो है भयभीत हुआ कि इसके मामा थे जिनका नाम था शाइस्ता खां। क्या नाम था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से औरंगजेब ने कहा, मामा श्री ये पहाड़ी चूहा नींद हराम कर रखा है। छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था आपसे पूछता है परीक्षाओं में? तो औरंगजेब ने कहा था, छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने ही दिया था। औरंगजेब ने अपने मामा से कहा कि मामा हो छत्रपति शिवाजी। मामा ने कहा कि कोई बात नहीं भांजा, मैं इस पहाड़ी चूहा को यूं मसल कर फेंक दूंगा। और ये आए थे पहाड़ी चूहा को मसलने के लिए कौन? शाइस्ता खां। और छत्रपति शिवाजी ने वर्ष 1663 में इनके खिलाफ जो है अभियान किया। इनके छापामार युद्ध के वजह से, इनके अचानक सडन अटैक के वजह से इतना भयभीत हुआ जो है शाइस्ता खां कि इसे किले में बनाया गया जो खिड़की था उससे कूद करके भागना पड़ा। छत्रपति शिवाजी के तलवार के वार से इसने अपना अंगूठा गवा दिया। कौन? शाइस्ता खां। ये तो बच्चू भाग गए, नहीं तो अंगूठा ही नहीं कटा होता, भगवान जाने का कट गया होता। बहरहाल शाइस्ता खां जो है वहां से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन शाइस्ता खां का बेटा जो है उसी अभियान में छत्रपति शिवाजी के हाथों मारा गया था। आगरा में आकर के जब औरंगजेब से मिलता है शाइस्ता खां तो औरंगजेब ने कहा, मामा, ए मामा, आपने सिर्फ जो है अंगूठा नहीं कटवाया है, आपने मुगल सल्तनत का, औरंगजेब का जो है नाक कटवा दिया। बहरहाल ये घटना जो है 1663 में हुई थी। आगे देखिए, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच? ना। शिवाजी और अफजल खां के बीच? ना। शिवाजी शाइस्ता खां? बिल्कुल नहीं। तो बच कौन गया? शिवाजी और जयसिंह। कब हुई थी? जी हां, 1665 में, जून 1665 में, 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी ने अपने 35 जो जीते हुए किले थे, जो फोर्ट थे, उसमें से इन्होंने 23 किसको दे दिया? मुगलों को दे दिया, मुगलों के हवाले कर दिए। और औरंगजेब का सेनापति जयसिंह जो कि कछवाहा शासक था, कौन था? कछवाहा शासक, वही कछवाहा जो कि आमेर के शासक भारमल की बेटी जिनका नाम हीर कुंवर ने अकबर से शादी की और उनका नाम जो है जोधाबाई हुआ था, तो उसी परिवार का जो है ये व्यक्ति था। कौन सिंह? जयसिंह। और जयसिंह की बातों में आकर के छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ जो है आगरा चले आए। तो आगरा में जयसिंह भवन में जो है उनको कैद कर लिया गया था। हालांकि छत्रपति शिवाजी मिठाई की टोकरी में बैठ करके और अपने पुत्र के साथ वहां से निकलने में कामयाब हुए। मथुरा में पहुंच करके, आगरा से निकले तो मथुरा पहुंचे, मथुरा में पहुंच करके उन्होंने सन्यासी वेश धारण किया। वहां से फिर दक्षिण भारत जो है निकल गए थे, यानी दक्कन निकल गए थे, जिसको अब महाराष्ट्र कहा जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। शाइस्ता खां और छत्रपति शिवाजी के बीच मैंने अभी बताया कि रिश्ते में जो है ये मामा था, किसका? औरंगजेब का, जिसको कि 1663 में इन्होंने इस पर अटैक किया था और शाइस्ता खां को अपना अंगूठा गवा देना पड़ा था, घायल होना पड़ा था। अफजल खां जो कि बीजापुर सल्तनत का जो ये सेनापति था, बीजापुर का सुल्तान अफजल खां को जो है छत्रपति शिवाजी को भेजा था गिरफ्तार करने के लिए।
भरे दरबार में अफजल खान ने कहा था कि घोड़े पर से बिना उतरे मैं छत्रपति शिवाजी को यूं गिरफ्तार कर लूंगा, और वो घोड़ा आ गया छत्रपति शिवाजी को गिरफ्तार करने। ये घटना हुई थी 1659 में, और छत्रपति शिवाजी से मिला तो धोखे से इनकी हत्या करने का जो है प्रयास किया, पहले गले मिला और पीठ पीछे जो है कटार मारने का काम किया, जो उन लोगों का फितरत होता था। लेकिन पहले से ही सचेत शिवाजी अंदर जो है कवच पहने थे, इसलिए इसका अफजल खान का जो है ये प्रयास निरर्थक हुआ। और बाघनक एक ऐसा जो है उस समय का हथियार जो कि हाथ में जो है पहना जाता था, उसको बाघनक कहा ही जाता था। बाघ के जो है नाखून की तरह जो है बहुत उसमें नुकीले दांत होते थे, और उसी से इन्होंने अफजल के पेट का ऑपरेशन कर दिया। वो बाघनक आज भी लंदन में रखा हुआ है, लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। आजकल कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा में था, और शायद मराठा सरकार, वर्तमान समय में महाराष्ट्र की सरकार, उसको छत्रपति शिवाजी का जो वर्ष 2023 में उनके तिथि पर जो उनका मनाया गया था जयंती समारोह, उस पर उसे बाघनक को लाया गया था, और इस समय फिर भारत में आ गया है। आप लोग भी अखबारों में इन बातों को पढ़े होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्ट प्रधान की एक विशेषता थी। अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी का एक जो है मंत्रिपरिषद था, मंत्रिमंडल था, जिसमें कितने मंत्री होते थे, कुल 8 मंत्री होते थे, और इन सभी मंत्रियों का जो प्रमुख होता था उसको पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। इन मंत्रियों के प्रमुख को पेशवा कहा जाता था। आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा कि यह पेशवा पद इतना प्रभावी हुआ बालाजी विश्वनाथ के बाद कि संगोला की जब संधि हुई 1750 में, उसके बाद पेशवा पद को प्रमुख बना दिया गया, छत्रपति पद को जो है डाउन कर दिया गया था। बहरहाल यहां पर जो इनके मंत्रिमंडल में सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, ना सिर्फ एक मंत्री जो धार्मिक कार्यों का देखरेख करता था उसको पंडित राव कहते थे। क्या कहते थे? उस पद को पंडित राव के नाम से जाना जाता था। पंडित राव जो कि धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था, और ये पंडित राव ही जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण व्यक्ति को रखा जाता था। बाकी अन्य पदों पर सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए, जाति पात का कोई मतलब नहीं था। हाँ, एक बात यह था कि जब कभी युद्ध की स्थिति होती थी तो पंडित राव और न्याय का सबसे बड़ा जो अधिकारी, जो मुख्य न्यायाधीश उस समय का होता था, उसको छोड़ करके बाकी सभी मंत्रियों को युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करना पड़ता था, सेना का संचालन करना पड़ता था। उस समय की यह परंपरा थी, जब भी लड़ाइयां होती थी तो जो है सबसे पहले मोर्चे पर राजा सेना का प्रतिनिधित्व करता था। अब तो लड़ाइयां होती हैं तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसको युद्ध की सूचना देने से पहले भी जो है मेडिकल चेकअप होता है कि ये सूचना देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय शोक की स्थिति बन जाए। लेकिन उन दिनों ऐसी स्थिति नहीं थी, जब लड़ाइयां होती थी तो मोर्चे पर हमेशा जो है राजा संचालन करता था, और ये लड़ाई तभी तक चलती थी जब तक जो है राजा सेना का संचालन करता था। अगर राजा युद्ध क्षेत्र से भाग गया या मारा गया तो युद्ध उसी समय समाप्त हो जाया करता था। बहरहाल इनके मंत्रिमंडल में सिर्फ एक मंत्री जो है ब्राह्मण होता था, पंडित राव। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी, पहला विकल्प सही होगा, पेशवा, जिसका मतलब होता था क्या? इसका मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो अमात्य या इसी को जो है पंत कहा जाता था, या इस पद को मसूमदार भी कहा जाता था। क्या? मसूमदार भी कहा जाता था। और यह व्यक्ति होता था कौन? जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वित्त विभाग, राजस्व विभाग को देखता था। इसको अमात्य के नाम से जो है जाना जाता था। जो व्यक्ति विदेश विभाग को जो है देखता था उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था।
यानी जो फॉरेन मिनिस्टर उन दिनों का होता था वो सुमंत के नाम से जाना जाता था। सर ए नौबत किसको कहा जाता था? नौबत किसको कहा जाता था? जी हाँ, वो डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता था। रक्षा मंत्री या कह लो कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, उसे सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। वाकया नवीश उन दिनों का जो है एक तरीके से समझ लीजिए कि गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी कितनी? उपज का 1/2 भाग, उपज का 1/3 भाग, उपज का 2/5 भाग या 1/8 भाग। छत्रपति शिवाजी के समय में भू राजस्व जो है आय का प्रमुख स्रोत में से एक था। वैसे इनके समय में सबसे बड़ा स्रोत इनकी आय का चौथ कर था, जो कि 1/4 हिस्सा लिया जाता था। दूसरा सरदेशमुखी था। सरदेशमुखी जो दूसरे देश के शासकों से लिया जाता था, और ये सरदेशमुखी उनकी कुल आय का जो है 1/10 भाग होता था। लेकिन जो राजस्व इनके समय में पहले 1/3 रहा और उसके बाद इसको बढ़ा करके 2/5 कर दिया गया, लगभग कितने परसेंट होगा? 40%। पहले कितने परसेंट था? तो पहले इतने परसेंट था। दिए हुए प्रश्न का दूसरा ना तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? छत्रपति शिवाजी के समय में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही जो है भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें लगान सीधे किसानों से वसूला जाता था, और यह व्यवस्था मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से संबंधित थी। मलिक अंबर से ही छत्रपति शिवाजी ने छापा मार युद्ध या आप कह लो कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति, कौन सा? गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है सीखा था। और गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति भारत में अरब के लोगों के द्वारा ही लाया गया था, वरना भारत का तो व्यवस्था बड़ा शानदार रही थी। भारत तो इतना आध्यात्मिक देश था कि महाभारत की लड़ाई हुई, मैं बताया था संभवतः पिछले क्लास में कि महाभारत की लड़ाई हुई तो वेद व्यास जी ने शुभ मुहूर्त देखा था कि किस शुभ मुहूर्त में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो ताकि विजय श्री प्राप्त हो, नहीं तो विजय गति प्राप्त हो। उस समय महाभारत के समय में ये नियम बनाए गए थे, जो कि बहुत समय तक जो है रहा था, कोई भी योद्धा निहत्थे पर वार नहीं करेगा, अचानक वार नहीं करेगा, तलवारबाज से जो है लड़ाई करेगा, गदा युद्ध जो है गदाधारी जो है सैनिकों के बीच ही हो सकता है, धनुधर पर ही वार करेगा। तो उस समय के बड़े नियम थे। सूर्योदय होते युद्ध शुरू होता था, सूर्यास्त होते युद्ध समाप्त, बीच में लंच वगैरह का भी टाइम दिया जाता था। तो सोचो कि कितना बड़ा सिस्टमेटिक व्यवस्था उस समय रही होगी। लेकिन जब अरब के लोगों का या फिर जो है मध्य एशिया की जनजातियों का जो है भारत में आगमन हुआ, जिनका भारत में आने के पीछे उद्देश्य ही था लूटपाट करना, तो फिर वहां पर शिष्टाचार नैतिकता जैसी कोई बात थी नहीं। अचानक वार करना, आतंकवादियों की तरह सडन अटैक करना, यही जो है छापामार युद्ध पद्धति थी, और इसमें मराठा भी जो है पारंगत थे। स्वयं छत्रपति शिवाजी ने इस बात पर भी जो है अपनी सहमति दिया था कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, कुछ भी गलत नहीं। सठे साठ्यम समाचरे टेट फॉर टेट, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में उन दिनों बाहरी शक्तियां अपना साम्राज्य छापामार युद्ध पद्धति के तहत ही स्थापित करने में कामयाबी हासिल की थी, और उनको छापामार युद्ध के तहत, गोरिल्ला युद्ध के तहत ही जो है बाहर किया जाएगा, ऐसी इनकी विचारधारा रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के नाम क्या थे?
इनका आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अभी मैंने बताया था, समर्थ रामदास, गुरु रामदास नहीं, वो तो सिख धर्म के जो है चौथे गुरु हैं। इनका पूरा नाम था समर्थ रामदास, समर्थ रामदास। और इन्हीं की प्रेरणा से छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि धर्म के नाम पर ही जो है हिंदू धर्म के समस्त लोगों को एकत्र किया जा सकता है। समर्थ रामदास जो कि घरकरी संप्रदाय से थे, घरकरी संप्रदाय से थे, घरकरी संप्रदाय। और पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो इस पर जो है विस्तृत चर्चा भी किया था, घरकरी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, ये सब क्या था। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को जो है देख भी सकते हैं। बहरहाल समर्थ राम गुरु इनके आध्यात्मिक गुरु थे, जबकि जो है दादाजी कोणदेव इनके राजनीतिक गुरु थे। आप कह सकते हैं कि शास्त्र की शिक्षा इनको मिली थी कोणदेव से ना, शास्त्र की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा इनको कोणदेव से मिली थी, जबकि शास्त्र की शिक्षा इनको किससे मिला था? जी हां, रामदास से मिला था। तुकाराम, एकनाथ जैसे ये लोग जो कि उधर भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। मराठा प्रशासन में आमात या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? अभी तो पीछे बताया था, आमात, मजूमदार, पंत, ये इतना जो है सब चर्चा में रहा ये पद कि बाद के दिनों में लोगों ने इसको अपने टाइटल के रूप में भी जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज भी महाराष्ट्र में जो है इस्तेमाल करते हैं लोग। मराठा प्रशासन में जो आमात्य होता था या पंत होता था वो वित्त मंत्री होता था। क्या होता था? फाइनेंस मिनिस्टर होता था, राजस्व और वित्त विभाग को जो है देखता था। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, तीसरा। सेना से संबंधित जो सर्वोच्च पद था उसे सर ए नौबत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। जबकि विदेश विभाग से जो संबंधित पद था उसे किस नाम से जाना जाता था? जी हां, उसे विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहा गया है हमारे देश में, कि या तो नौकरी हो तो लेखपाल की जैसी, और नहीं तो पद हो तो राज्यपाल की जैसा। लेखपाल को उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुलकर्णी के नाम से जो है जाना जाता था। जबकि गांव का जो प्रमुख होता था पटेल, और गांव को उन दिनों जो है पाटिल के नाम से जाना जाता था, पाटिल के नाम से जाना जाता था। जबकि जो प्रांत थे, प्रांतों को अगर पूछा जाए कि प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था कब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में, तो इसे प्रांतों को सूबेदार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्रांतपति को जो है सूबेदार के नाम से जाना जाता था, प्रांतपति को सूबेदार के नाम से जाना जाता था। जबकि जो है प्रांत को जो है सूबा कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। अगले प्रश्न को उससे पहले, हमारी संस्था के द्वारा ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। मैं बार बार आपसे जो है बताता हूं कि आप इस वेबसाइट पर जाकर के और यहां पर दिए गए जो मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज हैं उनको सॉल्व करिए, अपनी तैयारियों को देखिए, खुद को जो है खुद का अवलोकन करिए कि आप कितने जो है पानी में हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बखर क्या है? मराठा साम्राज्य में बखर क्या है? तो मराठा साम्राज्य की जो भाषा थी वो थी मराठी, जो लिपि थी वो थी जो है कौन सी? मोड़ी लिपि। कौन सी? मोड़ी, कहीं कहीं लिखा होगा मोंडी, है एक ही। और उस दिनों मराठा साम्राज्य की ऐतिहासिक गाथाओं को जब मराठी भाषा में, मराठी में गद्य में लिखा जाता था, गद्य के रूप में प्रोज फॉर्मेट में लिखा जाता था, उसी को कहा जाता था क्या? बखर। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा?
पहला विकल्प सही होगा। मराठी भाषा की जो लिपि थी वो मोड़ी थी और जो मराठी गद्य विधा थी उसे बखर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न को देखें, पेशवा वंश की स्थापना की, अगर जो है पूछा जाता कि पेशवा पद की स्थापना किसने की, तब तो उस सवाल का जवाब हो जाता जो है छत्रपति शिवाजी। लेकिन पेशवा वंश की स्थापना किसने की, तो आप थोड़ा सा जो है देख लेंगे। दरअसल जब शिवाजी शासक बने कब, वर्ष 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ। हालांकि 1680 में 50 वर्ष की अवस्था में जो है इनका देहांत हुआ। तब छत्रपति शिवाजी की पहली जो पत्नी थी जिनका नाम था साईबाई निबलांकर, क्या नाम था, साईबाई निबलांकर, साईबाई के ही जो है पुत्र हुए थे जिनका नाम था संभाजी। इसी संभाजी के साथ छत्रपति शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया गया था संभाजी। जबकि छत्रपति शिवाजी की दूसरी जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी उनका नाम था जो है सायरा बाई, और इनके जो पुत्र थे इनका नाम था राजा राम, क्या नाम था, राजा राम। इनकी तीसरी जो पत्नी थी इनका नाम था पुतलीबाई, हालांकि इनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। और कहा जाता है कि जब छत्रपति शिवाजी की 50 वर्ष की अवस्था में अप्रैल 1680 में निधन हुआ, तब कौन, यही पुतलीबाई जो है उनके साथ सती हो गई थी, उनके चिता के साथ जो है जल गई थी। आज भी इनकी समाधि जो है रायगढ़ में स्थित है। तब छत्रपति शिवाजी की जो है मृत्यु हुई, तो संभाजी जो है उस समय मुगलों के कैद में थे, पन्हाला के दुर्ग में इनको कैद किया गया था। लेकिन मुगलों ने कांटा से कांटा निकालने का प्रयास किया। तब जब छत्रपति शिवाजी ने अपने बेटे को राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए थे, राजा राम की अवस्था उस समय जो है लगभग 10 वर्ष के आसपास थी। छत्रपति शिवाजी अपने बेटे संभा से ही जो है बहुत परेशान थे। और हुआ है भी ऐसा, मैं बताता हूं आप लोगों से, सदियों से चला आया है, आज भी चल रहा है, सदियों तक चलता रहेगा। दुनिया में जो किसी से नहीं हारा, हमेशा अपनी औलाद से हारा है। मां बाप की करनी अपनी औलाद को और औलादों की करनी मां बाप को भुगतना पड़ता है। संभाजी उन दिनों जब मुगलों से हाथ मिला लिए थे, इस बात से जो है छत्रपति शिवाजी बहुत आहत थे, और तमाम प्रयासों के बावजूद भी इनका बेटा इनका सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए शिवाजी ने राजा राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अप्रैल के महीने में इनकी मौत हो गई छत्रपति शिवाजी की। तब राजा राम को शासक बनाया गया। और ये राजा राम जो है कब तक शासन किए, कब तक जो है इन्होंने शासन किया, तो वर्ष 1680 में जो है ये कुछ ही महीने तक अप्रैल में शासक हुए, और जून 1680 में मुगलों ने पन्हाला के दुर्ग से छोड़ दिया। किसको, किसको छोड़ दिया, संभाजी को। संभाजी जो है जब छूट गए तो हुआ क्या, इन्होंने आते ही खुद को स्वयं को छत्रपति घोषित किया। और नियमों के अनुसार राजा का बड़ा बेटा जो है राजा बनता है। कहा जाता है कि राजा राम ने स्वेच्छा से जो है पद त्याग दिया इनके पक्ष में, तब ये शासक हुए। और ये 1680 से लेकर के कब तक, 1689 तक रहे थे। हालांकि छत्रपति शिवाजी के एक भी गुण इनके अंदर जो है नहीं था। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम था मोहम्मद अकबर, जब औरंगजेब के खिलाफ बगावत किया था तो संभाजी से शरण मांगी, संभाजी ने शरण भी दिया, और संभाजी के पास मोहम्मद अकबर 6 वर्ष तक रहा था। लेकिन इस व्यक्ति में राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी। अगर राजनीतिक दूरदर्शिता रही होती तो मोहम्मद अकबर को अपने हाथ सिर्फ शरण नहीं देता, बल्कि उसको सैनिक सहायता देकर के, और यह भी ईंट से ईंट बजाने का काम करता, लेकिन दिमाग से बैल रहा था। बहरहाल छत्रपति शिवाजी के ये सुपुत्र संभाजी
मोहम्मद अकबर को अपने यहां पनाह दिए थे, इसीलिए वर्ष 1689 में इनका मंत्री, जिसका नाम जो है कवि कलश था, कवि कलश यही उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज के रहने वाले थे, कवि कलश सहित जो है संभाजी गिरफ्तार हुए थे। संभाजी की बड़ी निर्दयता पूर्वक जो है हत्या कर दी गई। जबकि संभाजी के जो सुपुत्र थे जिनका नाम था साहूजी, क्या नाम था? साहूजी और इनकी पत्नी ना, संभाजी की पत्नी साहूजी की जो माता थी जिनका नाम जो है यसुबाई था, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के कैद में ही यसुबाई और जो है साहूजी रहे, उसके कैद में ही जो है ये अपनी बाल्यावस्था बिताए। कहा जाता है कि साहूजी का पालन पोषण भी औरंगजेब की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था जीतन निशा, उसने जो है किया था, और उसी के जो है कैद में साहूजी रहे थे। कालांतर में जब औरंगजेब की मौत हो जाती है, उसके बाद जब साहू जी को जेल से छोड़ा जाता है, कैद से छोड़ा जाता है, तो ये छत्रपति का पद बालाजी विश्वनाथ के प्रयासों से प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। और बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने जो है अपना पेशवा नियुक्त किया था। लेकिन हुआ क्या, बालाजी विश्वनाथ जिसका जो है पेशवा के रूप में कार्यकाल कब तक रहा था, तो आप कहेंगे इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1713 से लेकर के जो है 1720 तक रहा था। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो उसका बेटा जिनका नाम था जो है क्या, उनका नाम था बाजीराव, जो कि 1720 से लेकर के 1740 तक पेशवा हुए और सबसे सुप्रसिद्ध पेशवा हुए, उनको पेशवा पद दे दिया गया। यानी पेशवा के जो है पद को क्या कर दिया गया था, वंशानुगत कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जी हां, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया था। क्योंकि पेशवा का पद उन दिनों जो है इतना प्रभावी हो गया छत्रपति शिवाजी के बाद कि छत्रपति जो थे वो सिर्फ नाम के जो है रह गए थे, शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था पर जो है पेशवा का जो है आधिपत्य अधिकार होता था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। यह पहला पेशवा था कौन, बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा थे जिनका नाम था जो है बाजीराव, यही बाजीराव जिनके ऊपर बाजीराव मस्तानी जो है फिल्म बनी। कहा जाता है कि इनके तलवार में वो तेज था, अगर चाहे होते तो हिंदुस्तान को विदेशी शक्तियों से खाली करा लिए होते, लेकिन मस्तानी में ही मस्त रह गए। इनका उत्तराधिकारी जिसका नाम जो है बालाजी विश्वनाथ ना बालाजी बाजीराव हुए, जो कि वर्ष 1740 से लेकर के 1761 तक रहे थे, यही नाना साहब के नाम से जाने गए। और इन्हीं के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी जिसमें मराठों की जबरदस्त हार हुई और मराठा शक्ति का पतन हो गया। कहा जाता है कि इसी युद्ध में बालाजी बाजीराव का बेटा जिसका नाम विश्वास राव था, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। ऐसा कोई घर नहीं था मराठों में जिन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को नहीं खोया था। इस घटना से इतना आहत हो गए नाना साहब, कहा जाता है कि इनकी इसी वजह से जो है मृत्यु हो गई थी। अंतिम जो पेशवा था जिसका नाम जो है बाजीराव द्वितीय था, ये बालाजी लिखा है बाजीराव द्वितीय था, और जो बाजीराव द्वितीय था इसका शासन काल कब से कब तक रहा था, 1797 से लेकर के 1818 तक रहा था, जिसको अंग्रेजों ने अपने पेंशन पर बिठूर में भेज दिया था और बिठूर में ही ये ठिठूर के रह गया। हालांकि इन्हीं के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब, जो कि 1857 की क्रांति में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उन्होंने भी क्या गजब काम किया। बहरहाल अगला प्रश्न, शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया था? गुरिल्ला युद्ध जिसको मलिक अंबर से जो है इन्होंने सीखा था छत्रपति शिवाजी, जिसे छापामार युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा की उपाधि दिया था, इसीलिए किसने औरंगजेब ने दिया था। छत्रपति शिवाजी को जब कैद करके लाया गया था आगरा के किला में, तो राजा की उपाधि दिया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो ये दिया गया था।
और शिवाजी की मृत्यु के बाद अगला जो पेशवा हुआ, जो सर्व प्रमुख जो है पेशवा था, वो जो है बाजीराव। और बाजीराव ने इनकी इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति को जो है जारी रखा। बालाजी बाजीराव ने भी जो है इसको जारी रखा था। विश्वनाथ को छोड़ करके दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। बाजीराव जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1720 से लेकर के और 1740 तक, जबरदस्त तलवारबाज थे, तलवार चलाने के योद्धा बाजीराव, जिनके जीवन पर जो है कुछ दिन पहले फिल्म बनी थी बाजीराव मस्तानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? वही तो कभी से बता रहा था, पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, हालांकि पेशवा इससे पहले छत्रपति शिवाजी के समय में भी रहे थे। अगर जो है ओवरऑल जो है पूछेगा कि ये कौन से पेशवा थे, तो आप कहेंगे कि ये सातवें नंबर के पेशवा थे। लेकिन लेकिन छत्रपति पद पर भी जो है जो प्रभावी पेशवा था, वो पहला, वो बालाजी विश्वनाथ था, जो कि वर्ष 1713 से 20 तक अपने पद पर बने रहे थे। इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से साहू जी जो है खेड़ा का युद्ध जीता था ताराबाई के खिलाफ और छत्रपति बनने में कामयाबी हासिल की थी। इनके बाद बाजीराव हुए थे अगला पेशवा, जो कि 1720 से लेकर के और कब तक, 1740 तक अपने पद पर बने रहे थे। बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव हुए। बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब के नाम से जाना गया, 1740 से लेकर के 61 तक अपने पद पर रहे थे। 1740 से लेकर के 1740 से 61 तक रहे थे। और इन्हीं के समय में मैंने बताया कि लड़ाई हुई थी, कौन सी, पानीपत की। उसके बाद जो है माधव राव हुए थे, फिर माधव नारायण हुए थे। इस तरह जो है कुल कितने पेशवा हुए थे, 8 हुए थे। और सबसे अंतिम पेशवा जो थे, जिनका नाम जो है बाजीराव द्वितीय था। बहरहाल इस तृतीय युद्ध जो है किसके समय में हुआ था, किसके समय में हुआ था, इनके समय में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किस दिन हुआ था, किस त्योहार के दिन हुआ था, तो आप कहेंगे कि जो है मकर संक्रांति के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? मकर संक्रांति के दिन हुआ था, 14 जनवरी वर्ष 1761 के दिन पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत का तीसरा युद्ध, और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली का ये भारत के खिलाफ जो है पांचवा अटैक था। अहमद शाह अब्दाली, जिसने कि अपनी पूरे जीवन काल में कुल 8 बार जो है भारत पर अटैक किया था, जो 7 बार जिसमें वो सफल रहा था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और मराठों का पेशवा उस समय बालाजी विश्वनाथ, और सेनापति कौन थे, सदाशिव भाऊ ठाकरे। कौन थे? सदाशिव भाऊ ठाकरे। इसी युद्ध में मराठे जो है युद्ध हार गए और मराठा शक्ति का जो है सर्वनाश हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का भारत के खिलाफ ये पांचवा इसका अटैक था। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, वो भी जो है बाबर का भारत के खिलाफ पांचवा अटैक था। और तीसरी लड़ाई में भी अहमद शाह अब्दाली का भारत के खिलाफ ये जो है पानीपत में पांचवा अटैक था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। इसी युद्ध के बाद जो है बालाजी बाजीराव की जो है मौत हो गई थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न जो है देखिए कहां गया, आओ, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? जी, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। हालांकि भारत की अधिकतम मुस्लिम जो शक्तियां थी, उसने अहमद शाह अब्दाली का जो है साथ दिया। खासकर के जो है रुहेलखंड के जो नवाब थे, इन्होंने खुल करके अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अंग्रेजों ने ही अहमद शाह अब्दाली को हल्की तोपें और जो है बंदूक इस्तेमाल
करने की तरकीब तो उनको पहले से ही पता थी, उपलब्ध इन लोगों ने जो है करा दिया था। क्योंकि औरंगजेब के बाद अगर अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक कोई विरोध कर रहा था वो मराठा शक्तियां थी, जिनसे सीधे सीधे जो है अंग्रेज टकराना नहीं चाहते थे, बल्कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना साधना चाहते थे और कामयाब भी हुए। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई में हार गए मराठा, जीत गया अहमद शाह अब्दाली, लेकिन सबसे अधिक फायदे में रहे तो कौन? जी हां, वो ब्रिटेन के कुकुरमुत्ते जो कि भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब जहां मौका मिला वहां पार कर दिया और दरवाजे दरवाजे घूम करके जो लोग भीख मांगते थे हिंदुस्तान के लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि भारत के शासकों की ही उसमें जो है कमी भी रही थी। बहरहाल इब्राहिम खान गार्दी जो कि वो मुस्लिम शासक था जो मराठों के तरफ से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, विश्वास राव उन दिनों के मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, ये भी युद्ध में शहीद हो गए। बालाजी विश्वनाथ का ही चचेरा भाई जिसका नाम जो है सदाशिव भाव उठा करे थे, सेनापति थे, वो भी जो है शहीद हुए थे। और इतिहासकारों ने लिखा, काशी पंडित उस समय के जो है इतिहासकार थे, जो कि कहा जाता है कि इन्होंने पानीपत के युद्ध को जो है अपने आंखों से जो है देखा था। ऐसा कोई मराठा साम्राज्य में परिवार नहीं था जिसने कि जो है अपने घर से अपने भाई अपने बेटे को नहीं खोया था। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दैट ये प्रश्न कई बार आया है, कई परीक्षाओं में आया है और अलग अलग जो है अब बिहार पीसीएस ने जो है माना कि नहीं इसने 8 बार अटैक किया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि नहीं 7 बार उसने अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली वैसे पहला जो अटैक किया था 1748 में, और इसका पहला अटैक जो है ये पंजाब के खिलाफ था, हालांकि ये असफल इसका जो है प्रयास रहा था। दूसरी बार इसने अटैक किया कब? तो आप कहेंगे 1749 में। तीसरी बार इसका अटैक हुआ कब? 1752 में। चौथी बार इसने अटैक किया कब? 1757 में। और तब ये जो है दिल्ली पर अटैक किया था जब उस समय जो है बादशाह हुआ करता था। हालांकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल बादशाह थे सिर्फ नाम के बादशाह थे। अहमद शाह अब्दाली का जो है 5वां अटैक था, अभी मैंने बताया कि 1761 में वो जो है पानीपत का तीसरा था, उसके बाद सॉरी पानीपत का जो है 5वां अटैक था, उसके बाद 6ठा अटैक उसका होता है कब? 1764 में, और 7वां जो है 1767 में। ये दोनों अटैक उसने जो है सिख लोगों के खिलाफ जो है अटैक किया, बाकी सब जो है या तो मुगलों के खिलाफ या नहीं तो मराठों के खिलाफ। मराठों के खिलाफ पानीपत वाला जो है युद्ध रहा था। बहरहाल लोक सेवा आयोग ने जो है इस विकल्प को सही माना कि इसने कुल जो है कितनी बार अटैक किया? 7 बार अटैक किया। जबकि इसी प्रश्न को बिहार में पूछा गया तो जो है वहां के आयोग ने सी विकल्प को सही माना था। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो कहेंगे कि बी सही है, जब हम ये बिहार में जाके पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सी सही है। बहरहाल मैं प्रयागराज से पढ़ा रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि बी सही है। हकीकत तो यही था कि उसने जो है भारत पर कुल 8 बार अटैक किया था। उसका जो है पहला अटैक जो पहला अभियान था पंजाब के में था और मुगल क्षेत्र पर था, सिर्फ 2 लास्ट में जो था वो सिखों के खिलाफ था, बाकी सब जो है मुगल क्षेत्र के खिलाफ रहा या मुगलों के खिलाफ रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाजा राम ना राजा राम, हमारे टाइपिस्ट महोदय कौन सा ब्रांड लेकर के आप टाइप करते हैं समझ नहीं आता है। राजा राम के मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? दरअसल मैंने अभी आप लोगों को उधर बताया था कि छत्रपति शिवाजी के बाद जो है शासक कौन बना था,
तो उनके सुपुत्र संभाजी थे। हालांकि थे महानालायक, इन्हीं के वजह से छत्रपति शिवाजी कहा जाता है असमय ही काल के गाल में समा जाते, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा भी गया है कि जब अपनी औलादें जब लायक होती हैं तो माँ बाप की उम्र जो है बढ़ जाती है, और नहीं तो उसका उल्टा भी सही है। संभाजी को जब 1689 में औरंगजेब के द्वारा हत्या करा दिया गया, तब राजा राम जो है शासक हुए। कौन? राजा राम शासक हुए, और ये 1689 से लेकर के 1700 ईस्वी तक शासन किए। राजा राम छत्रपति शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, जिनका नाम था जो है सायराबाई, उनके जो है पुत्र थे, जबकि संभाजी जो है साईबाई निबलांकर के जो है पुत्र थे। राजा राम शासन किया। राजा राम कभी भी अपने को जो है मराठा साम्राज्य का छत्रपति जो है नहीं घोषित किया, जबकि उनका शासन काल आप देख रहे हो लगभग 11 साल का रहा था। उससे पहले भी छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हुई तो राजा राम शासक बने थे, तो तब कुछ महीनों तक ही बस रहे थे। लेकिन पन्हाला के दुर्ग से जब छोड़ दिया गया संभाजी को, तो अपने भ्राता श्री के पक्ष में इन्होंने अपने पद को त्याग दिया था। भारत वो देश है जहां सभ्यता, संस्कृति, शिष्टाचार हमेशा उसकी अपनी एक जो है पराकाष्ठा रही। कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब 14 वर्ष जो है वन में रहे थे, तो उनकी खड़ाऊ को अपने सिर पर लेकर के जो है उनके भाई भरत अयोध्या आए, और राज सिंहासन पर उनका खड़ाऊ रख करके उनको प्रतिनिधि मान करके, और 14 वर्ष तक जो है सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। तो भारत वो देश है। बहरहाल यहां पर संभाजी, इनकी मृत्यु हो गई, तो राजा राम आपसे पूछता है वो कौन सा मराठा छत्रपति जो कि शासक होकर के भी कभी सिंहासन पर आसीन नहीं हुए, वो राजा राम थे। इन्हीं के समय में जो है सतारा को राजधानी बनाया गया था। सतारा को इन्हीं के समय में राजधानी बनाया गया। राजा राम के द्वारा ही जो उस समय की परिषद थी छत्रपति शिवाजी के, जिसमें कि जो है कुल 8 सदस्य होते थे, इन्होंने एक नया पद बनाया और उसको जो है प्रतिनिधि का नाम दिया, प्रतिनिधि नाम दिया था। तो इस तरह जो है जो इनकी अष्ट परिषद थी उसमें कुल 9 सदस्य हो गए थे, और वो एक पद बनाया गया था राजा राम के द्वारा, और वो कौन सा? प्रतिनिधि का पद। बहरहाल इनकी जब जो है मौत हो गई, किसकी? राजा राम की। तो इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई के पुत्र थे, ताराबाई के जो है पुत्र थे जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय की अवस्था ही अभी जो है 7-8 वर्ष की उस समय थी। तो इनको इन्होंने शासक घोषित किया, और इनके अल्पायु के कारण खुद ताराबाई ने शासन व्यवस्था जो है अपने हाथों में ले ली। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। ताराबाई को ही औरंगजेब ने ईमानदार शख्सियत की उपाधि दिया था। ईमानदार शख्सियत की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब ने किसको दिया? ताराबाई को दिया था। और ताराबाई अपने पुत्र के प्रतिनिधि के रूप में 1700 ईस्वी से लेकर के और 1707 तक शासन किया था। कब तक? 1707 तक शासन किया। जब औरंगजेब की मौत हुई, उसके पुत्रों के बीच जो है उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। जजाऊ की लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम विजय श्री प्राप्त करता है। किसके सहयोग से? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के सहयोग से। कहा जाता है कि उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं के कह देने पर वर्ष 1689 से औरंगजेब के किले में कैद जो साहू जी थे, संभाजी के पुत्र यानी छत्रपति शिवाजी के जो है नाती, उनको जेल से छोड़ दिया गया। संभाजी की कृपा उन पर हुई तो जो है
साहू जी को जेल से जो है छोड़ दिया गया, और जेल से छोड़ते ही वो दक्षिण भारत में आए तो ताराबाई से जो है इन्होंने कहा कि इस पर मेरा अधिकार है, आप इसलिए शासिका हो ताकि मैं जेल में बंद था, अब ये पद जो है खाली कर दिया जाए। लेकिन ताराबाई ने मानने से इनकार कर दिया। खेड़ा में लड़ाई हुई, कब? 1707 में। किसके किसके बीच? ताराबाई के बीच खेड़ा युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? 1707 में हुआ, और इसलिए हुआ कि ताराबाई जो है पद छोड़ना नहीं चाहती थी और साहू जी ये भी जो है मानने को तैयार नहीं थे, और उसी का परिणाम था खेड़ा की लड़ाई हुई। बालाजी विश्वनाथ के प्रयासों से साहू जी विजयी हुए और शासक बने। ताराबाई जो है पराजित हो गई। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। वर्ष 1707 से लेकर के वर्ष 1749 तक साहू जी छत्रपति के पद पर जो है बने रहे, और इन्हीं के शासनकाल में ही छत्रपति का पद अब धीरे धीरे जो है अपने पराभव की तरफ जो है जाने लगा, क्योंकि पेशवाओं को सबसे ज्यादा अगर जो है सह दिया किसी ने तो साहू जी ने ही दिया था। बहरहाल निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? अभी तो बताया था राजा राम जिनका शासनकाल जो है 1700 ईस्वी तक रहा था। सतारा को राजधानी इन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया था, सतारा को राजधानी इन्होंने ही बनाया था। शिवाजी के बाद जो है दूसरे छत्रपति हुए संभाजी, जो कि 1680 से 1689 तक शासन किए, जब तक कि इनको जो है औरंगजेब गिरफ्तार करके और इनकी हत्या जो है नहीं कर देता है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का जी हाँ तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले बता दें, साहू जी जो कि 1707 से लेकर के 1749 तक जो है शासन किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह कौन सी संधि थी? अंग्रेजों ने मराठों के मामले में जो है इंटरफेयर करने का उनको मौका मिला, तो औरंगजेबों के लिए जो है ये गोल्डन चांस साबित हुआ, ऐसे ही अवसर के तलाश में ही थे। भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का काम सबसे पहले वैसे फ्रांसीसियों ने किया था। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के दिमाग की उपज थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उसी के दिमाग की उपज थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो है किसी ने उसका यूज किया तो अंग्रेजों ने किया। और हुआ यूं दरअसल बालाजी विश्वनाथ मैंने अभी बताया कि जिनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था जो है माधव राव और दूसरे का नाम था विश्वास राव सबसे जो है बड़े थे। एक वाला था जिसका नाम था रघुनाथ राव, जिसको रघुवा के नाम से जो है जाना जाता था। रघुनाथ राव, हुआ यूं कि जब माधव राव को पेशवा बनाया गया था पानीपत की लड़ाई के बाद, कब? 1761 में इनको जो है पेशवा बनाया गया, और ये करीब जो है 1772 तक 1772 तक अपने पद पर रहे थे। कौन? माधव राव, जिनकी मौत हो गई थी क्षय रोग के कारण, टीबी के कारण जो है मौत हुई। तो इनका अल्प वयस्क जो है पुत्र था जिसका नाम था क्या? नारायण राव को जो है अगला जो है बनाया गया पेशवा। यह बात इस व्यक्ति को जो है
स्वीकार नहीं थी। और यही वजह था कि नारायण राव की जो है हत्या करा दी थी किसने, रघुनाथ राव ने। और हत्या इसलिए करा दिया ताकि ये पेशवा बन सके, और जिसके वजह से ये 1773 से लेकर के 74 तक ये पेशवा रहा भी था। लेकिन उसी समय नाना फडणवीस की जो है एंट्री होती है। क्लास में मैंने कभी पढ़ाया तो ये कहानी बड़ा आप लोगों को ढंग से बताया भी था। नाना फडणवीस के जो है प्रयासों से रघोबा को अपना पद जो है छोड़ना पड़ा, और छोड़ना नहीं पड़ा, इसको जो है राजधानी छोड़ करके भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको इस बात का डर था कि मराठों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि इसने अल्पवयस्क नारायण राव की जो है हत्या की थी, अपने भतीजे की हत्या की थी। किस लिए? ताकि इसको जो है पेशवा पद प्राप्त हो सके। पेशवा पद उस समय जो है सर्व प्रमुख पद होता था। मैं बताता हूं कि राजनीति की दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं, उस समय भी ऐसे लोग थे और हमेशा रहेंगे, जिनको पद और पैसा इतना प्यासा, इतना प्यारा रहा, पद और पैसे के ये लोग इतने प्यासे रहे कि किसी भी हद तक गिर सकते थे। रघुवा ने भी वही काम किया था। अब इसको डर था क्या कि हम हमारी हत्या कर दी जाएगी, इसीलिए ये उन दिनों जो है अंग्रेजों से जा मिला। 1775 जब वारन हेस्टिंग्स जो है भारत पर शासन कर रहा था, अंग्रेजों का उन दिनों गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाया तो जो है बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर जनरल जो है घोषित कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स इस मामले में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सूरत की संधि हुई, अंग्रेजों और मराठों के बीच पहली जो संधि थी, जिसको कि सूरत आज भी शहर है गुजरात का, यह 1775 में संधि हुई। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने यह वचन दिया रघोबा को कि मैं तुमको जो है पेशवा बनवा दूंगा। और उसी के तहत जो है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कौन सा? पहला आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? जी हां, 1775 से 82 तक हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अच्छा, ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इन दरमियान तीन जो है संधियां हुई थी, तीन संधि हुई थी। और कौन कौन? तो पहली जो है पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई कब? 1776 में हुई थी। दूसरी संधि कौन सी थी? तो आप कहेंगे कि बड़गांव की संधि थी, बड़गांव की संधि थी, जो कि 1779 में हुई। और तीसरी जो है सलबाई की संधि हुई, सालबाई की संधि, जो कि 1782 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो माधव नारायण राव और वारेन हेस्टिंग्स के जो है बीच हुई। वही उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुई। और अगले 20 वर्षों तक जो है ये संधि प्रभावी रही थी। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है पहली संधि पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? मैंने अभी बताया था आपसे कि जो है 1776 में हुई। दूसरी कौन सी हुई थी? बड़गांव की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि हुई थी कब? 1779 में। और तीसरी जो हुई थी कब? 1782 में। और ये तीनों संधियां जो है माधव राव और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स के बीच ही हुई थी। अब उसमें क्या क्या हुआ था, चूंकि हम लोग क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, यहां पर इतना समय नहीं है कि मैं उनके बारे में जो है बताऊं, लेकिन सालबाई की संधि सबसे अधिक अगले 20 वर्षों तक जो है प्रभावी रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। वैसे बता दें, जो तीन मराठा युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब? तो 1775 से लेकर के कब तक? तो 1782 तक हुआ। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था, कौन सा? सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो 1803 से लेकर के 1805 तक, खूब 3-5 हुआ। तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ,
वो कब हुआ? 1817 से लेकर के 1818 तक हुआ था। पहला वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, दूसरा वेलेस्ली के शासनकाल में, हालांकि उस समय कार्नवालिस भी आ चुका था, और तीसरा और अंतिम वर्ष 1818 में, और यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग जो है व्यक्ति थे। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, मुकासा किस प्रकार के दान थे? भूमि संबंधित, कर संबंधित, जीवन संबंधित। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो चौथ कर वसूला जाता था, मराठा साम्राज्य का जो है आय का सबसे प्रमुख स्रोत था, उसमें 66% जो हिस्सा था ये मराठा सरदारों को जो है दिया जाता था। मराठों के सरदारों का हिस्सा होता था, और इसे ही किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? मुकासा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे कि इसे मुकासा के नाम से जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी, पहला ना दूसरा विकल्प सही होगा। जो कर वसूलते थे उनको काम विस्तार कहा जाता था। कर वसूलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? काम विसदार के नाम से जो है जाना जाता था। और मराठा सरदारों का जो हिस्सा था उसी को जो है मुकासा जो है कहा जाता था। चौथ का जो 25% हिस्सा था, कितना? 25% हिस्सा। ये 25% जो है किसको प्राप्त होता था? जी हां, ये जो है राजा को प्राप्त होता था, जिस छत्रपति को, जिसको बाबती कहते थे। क्या कहते थे? बाबती कहा जाता था। ये किसको प्राप्त होता था? राजा या कह लो छत्रपति को जो है प्राप्त होता था। इसी चौथ कर का जो है करीब 5-6% हिस्सा, वो 6% हिस्सा किसको प्राप्त होता था? पंत को प्राप्त होता था। इसको सहोबा कहा जाता था, सहोबा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये रहा था आज का सेशन, ये 2020 सीरीज, जिसमें हम लोग कुल 20 प्रश्न जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। ये सेशन कैसा रहा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इस क्लास के ओवर होने के बाद कमेंट में जो है जरूर लिखा करें। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।